हेलो हाय सत श्री अकाल जय जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना अभिषेक और वेलकम करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रैवल .com में। गाइज एक्चुअली मैंने वीडियो आज इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई कैसे हम लोग जो है मतलब बी फार्मेसी के बाद में जॉब हमें मिल सकता है और कौन से लोकेशन में हम जाएं जिसके जहाँ पे रुकने के बाद हम लोग को बहुत इजीली जॉब मिल सकता है। तो इसके अगेंस्ट में मेरा जो ये वीडियो है, तो ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक आप जरूर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो गाइज़ ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। तो फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट मेरा आएगा तो आपके पास वो सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ मतलब आज मेरा वीडियो आप फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे मतलब आपको इतना अच्छा वीडियो मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है तो जिसको देखने के बाद आपके मुंह से और आपके दिमाग से और आपके दिल से ये जरूर निकलेगा कि वाह क्या वीडियो आज मैंने देखा। गाइज वीडियो सब मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट से जरूर देखिए क्योंकि जो भी मैं बात बोलने वाला हूँ ना वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। तो गाइज हम लोग जैसे मतलब बहुत सारे बंदे, मैं भी हो गया, वो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो लोग अपना मतलब करियर मतलब कौन से पढ़ाई करें, प्लस टू इंटर के बाद या तो प्लस टू के बाद, प्लस टू साइंस के बाद क्या क्या पढ़ाई करें जिसके बाद में उनको अच्छा नौकरी मिल सकता है, स्टार्टिंग उनका अच्छा खासा मतलब कमाई कर सकते हैं, वो सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर गाइज उन लोगों के लिए मेरा यही सलाह है, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं तो फिर वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइन में वो चॉइस करते हैं। जो हम लोग जिसका चीज़ हम यूज़ तो करते हैं अपने डेली लाइफ में लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मरने और जवान से लेकर वृद्ध तक, वो सब मेडिसिन यूज़ करते ही हैं लेकिन हम लोग को ये आइडिया नहीं रहता कि मेडिसिन को बनाते कौन है। यही हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है। तो मेडिसिन को जो लोग बनाते हैं ना उन लोग को हम सिंपल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में फार्मासिस्ट ही बोलते हैं जो मेडिसिन को कंपाउंडिंग करते हैं। पहले ज़माने में गाइस क्या होता था, मतलब जो वैद्य होते थे मतलब उस टाइम के ज़माने पे जो डॉक्टर हुआ करते थे वो प्रेस्क्रिप्शन के बदले एक खुराक दिया करते थे और वो खुराक को कैसे कितना मात्रा में कितना वेट वेट के हिसाब से लेना है वो जो डिसाइड करता था उसको हम कंपाउंडर बोलते थे। तो वो कंपाउंडर को हम इंग्लिश लैंग्वेज में फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो फार्मासिस्ट मैं कुछ पॉइंट डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ जिसके बदौलत आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फार्मेसी होता क्या है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं फार्मेसी पढ़ने के लिए अपने पास एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, क्या करने के बाद, कौन सी पढ़ाई करने के बाद हम लोग फार्मासिस्ट का जो कोर्स होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज बिलोंगिंग अंडर द फार्मास्यूटिकल स्टडी। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या कर सकता है एक फार्मासिस्ट अपनी फार्मासिस्ट लाइन कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद फिफ्थ लाइन क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या रूमर्स फैलता है फार्मेसी के बाद में, क्या रूमर्स फैलता है एक्चुअल में और एक्चुअल में होता है क्या है और कैसे एक बंदा विदाउट टेंशन जॉब उसको मिल सकता है और कौन से लाइन प्रिफरेबल हो सकता है उसके लिए कि उसको जॉब बहुत इजीली बहुत कम प्राइसिंग में के अंदर मिल सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा ट्रिक्स भी रहता है जिस को अप्लाई करके उसको बहुत अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। तो गाइज चलिए, तो गाइज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ फार्मेसी
होता क्या है? तो फार्मेसी एक साइंस का एक पार्ट होता है जो कि मेडिसिन रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, जिसमें जिसमें मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे डिस्पेंस करते हैं, कितने क्वांटिटी में डिस्पेंस करना चाहिए, और वो मेडिसिन का डिजाइन कैसा होता है, और मेडिसिन रिलेटेड जितने सारे स्टडीज हैं ना, उन लोगों को मतलब वो सब पढ़ाया जाता है। तो उसका एलिजिबिलिटी सब क्या होता है फार्मेसी ज्वाइन करने के लिए? जनरली केस में बोल सकता हूँ कि जैसे प्लस टू का मान लीजिए 3 स्ट्रीम हो गया अपना, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया और एक साइंस हो गया। आर्ट्स कॉमर्स वालों का तो मतलब आप भूल जाइए कि उन लोग के बैकग्राउंड के हिसाब से फार्मेसी नहीं हो सकते, क्योंकि फार्मेसी जो है वो साइंस बैकग्राउंड के ऊपर ही बिलीव मतलब बिल्डअप होता है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के ऊपर आता है ना गाइस, वही लोग ही फार्मेसी लाइन पे जा सकते हैं। सो उसके बाद मैं बोलूँगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ ए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल स्टडीज। सो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज इन ए फार्मास्यूटिकल साइंस, दैट इज फर्स्ट इज डी फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेकेंड इज बी फार्मेसी और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, थर्ड वन इज एम फार्मेसी। सो पहले जो हम लोग करेंगे वो डी फार्मेसी करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि आप प्लस टू के बाद डी फार्मेसी करोगे, अगर आपको चाहिए तो आप प्लस टू के बाद डी फार्मेसी कर सकते हो, लेकिन कोई आपको ए फोर्स नहीं करेगा कि इसके बाद डी फार्मेसी होता है उसके बाद ही तुम बी फार्मेसी कर सकते हो, ऐसा नहीं। इंटरमीडिएट और डी फार्मेसी दोनों सेम ही रहता है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए तो फिर आप डी फार्मेसी कर सकते हो, उसके बाद आप बी फार्मेसी करो, जो बैचलर डिग्री होता है और ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद एम फार्मेसी और मास्टर डिग्री और फार्मेसी जो है वो कर सकते हो। उसके बाद भी एक कोर्स रहता है, उसको बोलते हैं हम PhD बोलते हैं और R&D बोलते हैं, जो जैसे इंटीग्रेटेड MSc अपना हो गया, BSc और MSc को मिक्स करके 5.5 ईयर का मतलब बनाते हैं, वैसे ही जो फार्म डी रहता है ना वो भी 5.5 ईयर्स का एक कोर्स रहता है। वो ज़्यादातर मतलब उड़ीसा में वो अवेलेबल नहीं है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो मैं उड़ीसा के बाद बोलता हूँ, उड़ीसा में वो फार्म डी अवेलेबल नहीं है। उड़ीसा के बाहर चाहे आप फॉरन पर भी फार्म डी के लिए अप्लाई करके आप पढ़ सकते हो, और उसका बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। तो बेनिफिट्स में मैं बोल सकता हूँ कि गाइस आपने अगर डी फार्म किया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। डी फार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी किया तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाता है, जैसे आप डी फार्मेसी के बाद अपना मेडिसिन स्टोर ओपन करके घर पे बैठ सकते हो। अगर आपको कहीं पे नहीं जाना, आप पापा मम्मी के ख्याल भी रख सकते हो, उसके साथ मेडिसिन स्टोर ओपन करके खुद का मेडिसिन स्टोर चला सकते हो। ये हो गया आपका पहला वाला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट क्या होगा? आप चाहो तो मतलब गवर्नमेंट पे जो मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट हो या तो दूसरा कोई गवर्नमेंट हो, अपना नालको स्टील प्लांट हो गया, डिफरेंट बड़े बड़े जो माइनिंग से महानदी कोल लिमिटेड वगैरह है, बड़े बड़े माइनिंग से मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, अपना रेलवे का होता है, रेलवे का फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, बैंक फार्मासिस्ट के लिए भी निकलता है, तो वो वहाँ पे डी फार्म कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर होना रहेगा तो आपको मिल जा सकता है, तो फिर ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो होता है। लेकिन उसका एक एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस ये बोल सकते हैं कि गाइज मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, जहाँ पे मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो बनाया जाता है जहाँ पे मेडिसिन को, वहाँ पे कैसा रहता है, मतलब वहाँ पे डी फार्मेसी वाले जो होते हैं ना, उन लोग ऑपरेटर के हिसाब से लेते हैं, उन लोग को डायरेक्ट ऑफिसर हिसाब से नहीं लेते। देखिए मैं जैसे अभी मान लीजिए मैं एम फार्मेसी हूँ तो मेरे को ऑफिसर के हिसाब से लिए हैं, लेकिन जो डी फार्मेसी रहते हैं ना उनको ऑफिसर के हिसाब से नहीं लेते, उनको ऑपरेटर बनाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल करियर में उनके लिए थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज उसका है। तो डी फार्म वाले भी मतलब अगर वो फाइनेंशियली इतना एफोर्ड नहीं कर पाते कि मेडिसिन स्टोर अपना दे दे, तो फिर वो हॉस्पिटल लाइन पे भी काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम पे काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे काम कर सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डी फार्मेसी जो होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लिनिकल सेक्टर्स में काम करते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे ऐसे मतलब कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग अगर फार्मेसी पढ़ते हैं
तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फ्यूचर। अपना जो उड़ीसा में मैंने देखा जैसा अपने उड़ीसा में 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, फार्मेसी रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, वो जनरली मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। एक है अपना झारपोखरिया कॉलेज, मैं आपको वीडियो पे ही मतलब उसका स्पेलिंग के साथ उसका कॉलेज कहाँ पे लोकेशन है उसका पूरा डिटेल उसका दे दूंगा, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, तो फिर आप वहाँ से उसको निकाल के वो गूगल पे सर्च करके आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर को बता सकते हैं, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मतलब किसी को अगर जानना रहेगा तो फिर उसको भी ये कर सकते हैं। ब्रह्मपुर जो मतलब एक सिटी है अपना गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुर करके सिटी टाउन है, वहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस करके एक कॉलेज है, तो वहाँ पे जा सकते हो। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस कॉलेज में पढ़ा था, मैं इसको एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, उसका पढ़ाई मतलब इतना ज़बरदस्त है ना गाइस, आप अगर एक बार गुजरा होगे तो आप मेरा नाम भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे को भी वहाँ पे लोग पहचानते हैं, मेरा नाम भी बोल सकते हो। आप खुद से जाओ, मेरा बात सुन के मत जाओ, आप खुद से जाओ, पेरेंट के साथ जाओ, गार्डियन के साथ जाओ, किसी को भी लेके जाओ, आप उधर का पढ़ाई एक बार डेमो क्लास अटेंड करो, आप एक बार उस वहाँ चेक करो, बहुत लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छा पढ़ाई वहाँ पे होता है, और इतना मतलब बच्चों के पीछे पर लगे पड़ते हैं, वो जो लेक्चर लोग होते हैं ना वो बच्चों के पीछे पर लगे पड़ते हैं कि बच्चा कैसे मतलब अच्छा पढ़ाई में पर अच्छा हो जाए, उसको कैसे अच्छा नौकरी मिले, तो फिर वो ऐसा रहता है, तो फिर वहाँ पे आप जा सकते हो। और मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि रोलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में जाए, क्योंकि पहले रोलैंड कॉलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना कॉलेज हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी उसका फैकल्टी जो है ना अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाने से आपका पैसा तो बर्बाद होगा लेकिन आपको अच्छा खासा मतलब ये नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये बेनिफिट जरूर बोल सकता हूँ मैं वहाँ पे, एक बेनिफिट जरूर है वहाँ पे, वो क्या है मतलब वहाँ वो वाला जो कॉलेज है ना वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो निकले हुए हैं बहुत बड़े बड़े जगह पे, मतलब वो जाकर भी सेटल हो रहे हैं, तो फिर कॉलेज में जाने से शायद से वो लेक्चर के रेफरेंस पे आपको कहीं पर जॉब मिल सकता है, लेकिन वो उसका कुछ गारंटी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको वो प्रिफर नहीं करूँगा कि मतलब रोलैंड कॉलेज जाएँ आप। और एक है CPS मोड़ा, वो भी कॉलेज पहले अच्छा था लेकिन अभी इतना खास नहीं है, तो फिर आप ब्रह्मपुर में जो रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस है वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आप सालेपुर में ट्राई कर सकते हो, और बारीपदा डिस्ट्रिक्ट में एक झारपोखरिया कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को उनकी लाइफ के लिए मतलब प्रीसेस हो सकता है, आप इसको यूज़ कीजिए, और मैं गारंटी देके कहता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब कैसे सर्च करें, कैसे लोकेशन सिलेक्ट करें। जॉब सर्च करने से पहले गाइज मैं आपको ये बता दूँ कि जॉब सर्च करने से पहले जो लोकेशन होता है ना गाइज, आप एक स्टेट में आगे जॉब सर्च करने के लिए आपको कुछ भी पता नहीं है किधर आप रुकेंगे, ये सबसे मेन थिंग है, कहाँ पे आप रुकेंगे जहाँ से आपको जॉब इजीली मिल सकता है। तो हैदराबाद में एक जिडमेटला करके एक एरिया है, मैं सब अपना वीडियो के टैग में लगा दूंगा, आप देख सकते हो, आप गूगल के नीचे सर्च कर सकते हो जिडमेटला। जिडमेटला में एक एरिया है शाहपुर नगर में, सब लिख के दे देगा आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका एड्रेस उसका पिन कोड वगैरह मैं लिख के दे देगा। आप अगर वहाँ पे आगे आप इधर आइए, आके यहाँ पे PG आपको मिल जाएगी, PG मतलब PG के ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में चाहे तो उसका वीडियो भी दे दूँगा, नहीं तो आपको अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा उसमें वो PG के ऊपर एक वीडियो है, आप देख सकते हो। तो PG बॉयज हॉस्टल में आप रुक सकते हो, और आप उधर ही रुक के मतलब
आपका जो फार्मा पाथवे हो गया, फेसबुक से भी मैसेज आपको पता चल जाता है, अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना हो गया तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही से आ जाता है। अभी ज़माना चेंज हो गया है, अभी मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप में, तो कौन सा इंटरव्यू है, क्या कौन से रिलेटेड एक्सपीरियंस कितना है, प्रेशर है क्या, तो ऐसा ये हो सकता है। तो फिर आप डायरेक्टली आए और आप अगर खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई करें। तो मेरा क्या सजेशन ये है कि गाइस एवरी एरिया में ना एक कंसल्टेंसी करके एक चीज़ रहता है, कंसल्टेंसी करके एक ऑफिस ऑफिस रहता है, वो क्या करते हैं, वो आपका काम करवा देते हैं लेकिन उसके बदले वो कुछ चार्ज भी लेते हैं। कुछ कुछ कंसल्टेंसी ऐसे रहते हैं कि वो आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेते, जैसे मतलब वन मंथ का ग्रस बोल सकते हो, लेकिन आपका जो मतलब जो जॉब सर्च करने का जो साइकिल रहता है ना वो इतना मिनिमाइज हो जाता है ना, 1-7 डेज में आपको जॉब लग जाता है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, मेरे हिसाब से सब कोई ऐसे बोल देता है आ जाओ मैं तुम्हें जॉब करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं करता गाइस, कोई कुछ नहीं करता, तो आपको खुद से ही करना पड़ता है। इधर आओगे ना आपको ओरिजिनलिटी वो पता चलता है। उसके बाद एक एरिया हो गया डामन ड्यू, मतलब जो अपने इंडियन टेरिटरी है और मतलब यहाँ पे गुजरात में है, गुजरात स्टेट में, वहाँ पे डायरेक्ट जाइए, वो लोकेशन पे जाइए, गुजरात बोल के आप गुजरात में कहीं भी नहीं जाइए, मतलब वही डामन पे जाइए। डामन पे ये ह्यूज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो आपको इतना ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा होगा ना आप बोल नहीं सकते। आप हिमाचल प्रदेश वहाँ पे वो पहाड़ पे ना गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेला लगा हुआ है वहाँ। तो ये था मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो मतलब मैंने आपको बताने वाला था, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब मेरा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, इसमें मैंने सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है ना उसमें एक पैसा भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, बस अपने दिल से भाई के लिए प्यार दिखा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूँ गाइस मतलब एक जो मतलब जेन्युइन टाइप का वीडियो रहता है ना गाइस, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाने से क्या होता है।